मार देता है, लेकिन आज बाबर आजम ने कोई खराब पारी नहीं खेली। 40 में 66, 153 का स्ट्राइक रेट, लास्ट मैच 162 का स्ट्राइक। हाँ, तो अकेला ये बंदा देख रहे हो, दोनों सपोर्ट तो चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव चाहिए होता है, जो विराट कोहली को एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं आज भी आपकी टीम वही लैक करी है। उनको फंसा रहे वहां पर, सैम अयूब बच्चा बन के वही गलती। अरे भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बार बार आपको नहीं बचाएगा। आज मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करी ना बाबर आजम ने, चौके भी तो मारे थे, मैच्योरिटी के साथ खेला, शुरू में संभल संभल के ये खेल रहे थे। फखर जमान ही है भाई, जो आप पर आप डिपेंडेंट रहते हो, जिस खिलाड़ी पर, वो फखर जमान ही है। एंड अगेन बाबर को हम देखते हैं कि आप दो बंदों पर, बाबर फखर जमान पर डिपेंडेंट। स्कोर कार्ड देखो, 25 में 50 फखर का है, 43 में 66 बाबर है, थर्ड हाईएस्ट जो है, थर्ड हाईएस्ट। 22 रन 13 में साहिन साफरीदी। भाई मैं वही तो कह रहा था, वन मैन आपके बैट्समैन कहां गए? वन मैन आरबी होता है ना, वैसे मैच आपकी टीम में एक बंदा है, ना रिजवान है ना बाबर है, वो आपका है फखर जमान। फखर जमान टिका हुआ मैच जिता देगा। बाबर आजम पर आप हार्श नहीं हो सकते आज की बारी पे यार। नहीं, आप कह रहे हो यार आखिर में चेस क्यों नहीं करा, 100-200 वही मार देना, 150। और आप, मैं बार बार कहूंगा, विराट कोहली से मत कंपेयर करा करो बाबर आजम को, आप उसमें अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो भाई। वो नहीं है विराट कोहली वाली लीग में यार, बिल्कुल। द थिंग इज, ही इज अ क्वालिटी बैटर। आज जो उसने पारी खेली यार, जो उसने छक्के मारे हैं, एक इनसाइड आउट जो कवर्स में चौके मारे हैं पावर प्ले में, जो फखर दोनों को कैच भी छूटी, फखर जमान की इजी डॉली कैच छूटी है, बाबर आजम की पॉइंट पे डॉली कैच छूटी है। द थिंग इज कि फखर जमान, बाबर आजम नीड्स अ फखर जमान। फखर जमान ढूंढने आती है उसका दिन तो मैच खत्म करता है, ये फखर जमान की एबिलिटी है। बट बाबर आजम एंड फखर जमान नॉट सेम। बाबर आजम आपको एंकर करके दे देगा, गेम चला के दे देगा, तो आज जो दुनिया बाबर आजम को कह देगी अरे भाई नहीं कर पाया वो फिनिश। लेकिन वो बार बार मैं वही कहूंगा, 14 एंड ओवर, 15 एंड ओवर, वो उस एबिलिटी से नहीं कर सकता चेज। And don't ever compare it with Virat Kohli. अब वो एक छोर पे खड़ा है बेचारा, उसको स्ट्राइक रेट भी देखना है, उसको रिक्वायर्ड रन रेट भी देखना है, और उसके सामने जो है फखर का विकेट जाता है, इफ्तिकार जाता है, आजम जाते हैं, उसके बाद आमिर जमाल जाता है। हाँ। चार विकेट बाबर के सामने गिर रहा है यार, वो बंदा कैसे वहां पे उस कंसिस्टेंसी से आपको रन कर पाएगा, कैसे देखो वो स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाएगा? आपको जो मैं इंडिया की टीम से भी मैं इंडिया पर्सपेक्टिव में समझाता हूँ, आपके अर्ली ऑन दो विकेट गिर गए जिसमें से एक आपके रोहित शर्मा आउट हो गए, फिर विराट कोहली और आपके साथ एक अटैकर है सूर्या, तो सूर्य वाला रोल निभा रहा आपको फखर जमान। बाबर आजम ने भी तो एंकर करा, मैंने आपसे क्या, 2 ओवर में 10 रन थे, और आपने 10 ओवर तक सिनेरियो वो बना दिया था कि आप एडवांटेज में थे। जो आपका वॉर्म होता है ना, इनिंग्स वॉर्म, उसमें पाकिस्तान आगे है, फखर की विकेट गिरी सारे घुस गए, तो उसमें बाबर को इकलौते को क्यों ब्लेम कर दोगे भाई आप? इफ्तिकार क्या कर रहा है, पीएसएल टैलेंट क्या कर रहे हैं आपके, आजम क्या कर रहा है, सैम अयूब क्या कर रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी पूरी टीम है, ये टीम गेम है। देखिए बाबर फखर जब होते हैं 9 में 90 आपकी टीम करती है जी, लेकिन उसके बाद फिर आपकी मिडिल ऑर्डर कहां चली जाती है? हाँ, सिंपल सी बात, कहीं सीधा सीधा अगर साफ शब्दों में कहीं, हार का जो जिम्मेदार है आपके रिजवान है, इफ्तिकार है, आजम खान है, आमिर जमाल है। आपको सिंपल से एक बात बताई थी, और इसमें इफ्तिकार और रिजवान का बहुत बड़ा रोल इसमें। आज एक बैटर कम होना, आप एक बैटर कौन कम रह गया, शादाब रह गया, शादाब रह गया, शादाब की एक आपको बैटिंग डेप्थ देता है भाई, बोलिंग वो भी करने का 4 में 40 वाली जो उसामा कर रहा है, मेरे को एक बैटर तो मिल गया प्रॉपर। शराब की आपकी वर्ल्ड कप की भी पारी याद आएंगी, जो उसने एशिया कप में मैच जीता है तो वो भी याद आएगा। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपने कंसीडर करनी होती है, केवल एक खिलाड़ी को बैश करना गलत है भाई कि बाबर ने फिनिश क्यों नहीं करा, ठीक है नहीं करा वो चीज, क्योंकि उसकी वो क्वालिटी नहीं है भाई। वो आपको 14 ओवर विल पे छक्के नहीं मार सकता, अब अकेला बंदा करे क्या? अरे बात मत तो बताओ, उसने आज जो पारी खेली उसमें शॉट की कमी बता दो। वर्ल्ड क्लास बैटर्स ऐसे बैटिंग करते हैं, जो उसने शॉट मारे हैं, बिल्कुल इनसाइड आउट कवर्स पे मार रहा है, जो छक्का भी मारा था निकलकर सऊदी को, जो सैंडर को छक्का मारा है लॉग ऑन के ऊपर से, तो क्वालिटी बैटर है। लेकिन आप ये थोड़ा कह सकते मैच उसने हरवा दिया। देखिए जो लोग कह रहे थे लास्ट मैच की इनिंग से बाबर का क्या हुआ, आज अलग बाबर आपको दिखा है। स्टार्टिंग से वो अटैक करने जा रहे थे और अटैकिंग बाबर दिखा, दूसरे एंड पे विकेट गिर रहा था, उसके बावजूद बाबर जो है आपके जो रिक्वायर्ड रन रेट है आपका, वो बाबर कहीं ना कहीं मेंटेन करने के। एक भाई हमारे सारे भाई अभी कह रहे हैं आकाश भाई, देयर इज नो नीड एनी एंकर इन T20 इनिंग्स एनीमोर इन टुडेस क्रिकेट, निलेश तिवारी। भाई इसमें एक और चीज उठाऊंगा, जब बाबर आजम ने स्टार्ट भी करा था ना, तो उसमें उस वक्त उसकी स्ट्राइक रेट भी आपकी हाई 170s 180s था, तो कहीं ना कहीं वो स्लो तब हुआ जब इन टैंडम विकेटें गिर गई हैं। रेगुलरिटी में क्विक सक्सेशन में कौन कौन आउट हुआ, फखर आउट हो गया, इफ्तिकार आपका आउट हो गया, आजम आउट हो गया, आमिर जमाल ने भी विकेट फेंक दी। तो जब आपके मिडिल में वो डेप्थ नहीं होती ना, तो भाई अगला बैटर क्या, 3 विकेटें गिर रही है क्विक सक्सेशन में, वो अपना बल्ला भी नहीं रोके,
और ना उसने ऐसा रोका कि आप उसे कह सकते हो ये तो बिल्कुल अपनी पारी के लिए खेल गया, नहीं अपने रन से बनाया उसने, अपने लिए आज बाबर ने नहीं किया, उसका गेम आज दिख रहा है, स्टार्टिंग से ही दिख रहा है, अपने लिए बाबर ने नहीं किया है, जितना बाबर कर सकता था, बाबर आजम जो कर सकता था वो उसने किया, वो बार बार कह रहे विराट कोहली वो नहीं है कि गेम फिनिश करके एग्जैक्टली आप अकेले दम पे दे, आप विराट मत क्यों समझ रहे हो, ये आप अपमान कर रहे हो, बाबर का अपमान कर रहे हो, एग्जैक्टली मतलब आप यही गलत ही कंपैरिजन कर रहे हो, इफ यू आर पुटिंग हिम इन सेम प्लेस एज विराट कोहली वो तो स्टुपिडिटी है, विराट कोहली ने 10 साल तक वो करा इज द किंग ऑफ चेज, विराट कोहली इज डिफरेंट बैटर ऑल टुगेदर, लेकिन द थिंग इज उससे ये साबित नहीं होता कि बाबर आजम खराब खिलाड़ी है, उसको आप डिमीन कर दो, उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो वर्ल्ड कप की भी पारी आपको याद है कि 50 वाली जो आप न्यूजीलैंड वाला मैच जीते हो उसमें फकर जमान वॉज द डोमिनेटर बट बाबर वॉज देयर, तो वो ऐसी पारियां खेल सकता है। हाँ, आप ये कहोगे कि चेज नहीं कर पाता है, भाई वो चीज है, अब आपको एक खिलाड़ी में सारी चीजें तो नहीं मिलेंगी भाई, सिंपल सी बात है। अब इस ग्राउंड पे जहां 195 ऐसा लग रहा था आप चेजेबल टारगेट है, यहां ये जा सकता है, वहां पे देखिए आप 173 का रोहन भाई हो गया, आकाश भाई पता चला 3 में 50 चेज करना बच्चों को खेलने, इसलिए विराट गोट है, विराट इज द गोट, विराट के आसपास नहीं है बाबर आजम, वी हैव सेड दिस बिफोर, बट यू कांट से कि बाबर आजम घटिया प्लेयरों में से, वो भी ही इज वन ऑफ द बेस्ट।